सो फाइनली दोस्तों, साल 1975 में रिलीज़ हुई सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले, जिसे ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और आज भी हर किसी को वो मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, वहीं आपको बता दें कि अब शोले 2 मूवी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। जी हाँ दोस्तों, जिसे सुनने के बाद हर कोई शोले 2 मूवी का बेसब्री से इंतजार करने वाला है। क्या है ये अपडेट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपको बता दें कि शोले फिल्म में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जय और वीरू की भूमिका में नजर आए थे और एक दोस्त की भूमिका में नजर आए थे। जी हाँ दोस्तों, उनकी जोड़ी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। वहीं आपको बता दें कि विलन के तौर पर अमजद खान को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अमजद खान के डायलॉग आज भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वहीं आपको बता दें कि हेमा मालिनी भी इस मूवी में अहम भूमिका में नजर आई थी। और दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी की स्टोरी हर किसी को काफ़ी पसंद आने के बाद अब हर कोई शोले 2 मूवी का काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा है। बता दें कि शोले मूवी को रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनाया गया था और दोस्तों रमेश सिप्पी अभी इस मूवी का सीक्वल यानी शोले 2 बनाने का प्लान बना रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि बॉलीवुड में शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती के चर्चे चारों तरफ होते हैं और दोस्तों उनको लेकर ही शोले 2 बनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि इन दोनों के साथ हमें शोले 2 मूवी देखने के लिए मिलेगी, जो कि हमें जल्दी इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती हुई दिखाई देगी। जी हाँ फ्रेंड्स, फिलहाल इस मूवी की स्टोरी पर जोरों शोरों से काम चल रहा है और जैसे ही काम खत्म कर लिया जाएगा, सलमान खान और शाहरुख खान से बात करके फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। यानी कि आप लोग मान सकते हैं कि ये मूवी साल 2026 या फिर 27 में हमें सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलेगी और जैसे ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। वैसे आप लोग शोले 2 फिल्म का कितना ज़्यादा वेट कर रहे हो, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलेगा।